भारत के एक बड़े हथियार डिपो में लगी भीषण आग, सेना के दो अधिकारी, एक जवान की मौत, 13 फायर फाइटर्स की भी गई जान। जांच के लिए दिए गए आदेश, पीएम समेत कई नेताओं ने जताया दुख। दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर बेनामी संपत्ति के आरोपों पर सोनिया गांधी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, पीएम मोदी पर साधा निशाना। तो बिना भेदभाव जांच करो। दामाद तंग हर दो चार छह महीने में नए घोटाले में उजागर होता है उनका। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की अफ्रीकी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, सुषमा स्वराज ने कहा कांगो छात्र की हत्या नस्लीय हमला नहीं। तो भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है। राज्यसभा के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नामांकन भरा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया पर्चा, बीजेपी समेत कई पार्टियों का समर्थन। एमएलए मेरे को खुल के वोट करेंगे और हम आराम से जीत के आए। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दलित कार्ड, जोगियापुर गांव में दलित परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना। दिल्ली के किराड़ी में 8 साल की बच्ची से रेप, आरोपी मुंह दबाकर ले जाते हुए, सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड, आरोपी की पहचान लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं।